वेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब। वेट के साथ आन जोड़ दें तो बनता है वेट आन, और इसका अर्थ होता है देखभाल करना, यानी कि अटेंड अटेंड। वेट के साथ आन जोड़ दें तो बनता है वेट आन, और इसका अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि सर्व। अब इनका वाक्य प्रयोग करेंगे। वेट ऑन माने देखभाल करना। द मैन हु वॉज वेटिंग अस ऑन सीम्ड वेरी एक्सपीरियंस एज ही गॉट ऑल आवर ऑर्डर्स मिक्स्ड अप। व्यक्ति मुझे द मैन हु वॉज वेटिंग यानी जो इंतज़ार करता है, जो देखभाल करता है, ऑन अ सीम्ड वेरी एक्सपीरियंस, वो मुझे जो है बहुत ही अनुभवी प्रतीत होता है। एंड ही गॉट ऑल आवर ऑर्डर्स मिक्स्ड अप, और वह मेरे सभी जो है आदेशों को यानी पूर्ति करता है, यानी उन सभी को मानता है। वेट ऑन माने सेवा करना। ए फूलिश हस्बैंड एक्सेप्ट हिज वाइफ टू वेट ऑन हिम हैंड एंड फुट। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी पत्नी की सेवा करता है बिना कुछ सोच विचार किए दिन रात। तो वेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब यहाँ पर समाप्त होती हैं। बची हुई फ्रेजल वर्ब इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।